हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन की हेल्प से हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल, लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया सब्ट्रैक्ट 6 - 3। अब हमें क्या करना है कि 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन करना कहाँ पे है, नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है कि 6 में से 3 को माइनस करना है, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे 6 को मार्क कर लेते हैं। ये हमने 6 को मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है कि 3 को माइनस करना है 6 में से। तो हम क्या करेंगे कि 6 से हम जंप लगाएंगे कितनी बार, 3 बार, क्योंकि हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 3 बार जो है 6 से जंप लगाएंगे, लेकिन जंप लगाएंगे किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें माइनस करना है, क्योंकि नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड जो है नंबर डिक्रीज होते हैं और राइट हैंड साइड जो है नंबर इंक्रीज होते हैं। अगर हमें ऐड करना होता तो हम जंप लगाते राइट साइड पे, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम जंप लगाएंगे लेफ्ट साइड पे, और कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार लगाने के बाद जिस नंबर पे हम पहुंचेंगे वही होगा हमारा आंसर। तो हम 6 से जंप लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले 6 से 5 फर्स्ट जंप, 5 से 4 सेकेंड जंप, 4 से 3 थर्ड जंप, 3 जंप हो गए। तो हम कहाँ पे पहुंचे, 3 पे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3। तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से जो है हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं नंबर लाइन पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 10 - 5। अब हमें क्या करना है कि 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस पे, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 और 5 में से 10। तो सबसे पहले हम 10 को मार्क कर लेंगे नंबर लाइन पे। अब हमें क्या करना है कि 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो हम 10 से जो है 5 टाइम्स जंप तो लगाएंगे, लेकिन किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें माइनस करना है, तो हम लेफ्ट साइड जंप करेंगे। तो 10 से 9 फर्स्ट जंप, 9 से 8 सेकेंड जंप, 8 से 7 थर्ड जंप, 7 से 6 फोर्थ जंप, 6 से 5 फिफ्थ जंप। तो हम कहाँ पहुंच गए, 5 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। 10 - 5 कितना आया हमारे पास, 5। तो इस तरह से जो है हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम और एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 - (-5)(close). तो अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 + 5। तो अब हमें नंबर लाइन पे करना है इसे परफॉर्म। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्या है, 2 + 5 है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो किसी नंबर को भी अब सबसे पहले जो है हम नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को मार्क कर लेते हैं। अब क्या है, ये +5 है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब ये प्लस हो गया, तो हम जंप तो करेंगे, लेकिन किस साइड, राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें इस बार ऐड करना है, इंक्रीज होने नंबर। तो अब कितनी बार जंप करना है हमें, 5 टाइम्स। तो 2 से 3 फर्स्ट जंप, 3 से 4 सेकेंड जंप, 4 से 5 थर्ड जंप, 5 से 6 फोर्थ जंप, और 6 से 7 फिफ्थ जंप। तो हम कहाँ पहुंचे, 7 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7। 2 + 5 हमारे पास कितना आता है, 7। तो इस तरह से जो है नंबर लाइन पे हम करते हैं। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इस बार हमने नेगेटिव इंटीजर लिया था। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट -7 - (-6)(close). तो इसे हम नंबर लाइन पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, -7 + 6। तो सबसे पहले जो है हम नंबर मार्क कर लेते हैं। आप चाहे तो 6 को मार्क कर सकते हैं, चाहे तो -7 को मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, -7 को मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना है, -7 के अंदर प्लस को 6 ऐड करना है। ऐड करना है 6 एंड जंप तो करेंगे, लेकिन किस साइड करेंगे, राइट हैंड साइड पे जंप करेंगे। कितनी बार, 6 टाइम। तो -7 से -6 फर्स्ट जंप, -6 से -5 सेकेंड जंप, -5 से -4 थर्ड जंप, -4 से -3 फोर्थ जंप, -3 से -2 फिफ्थ जंप, और -2 से -1 सिक्स्थ जंप। और हम कहाँ पहुंच गए, -1। तो ये हो गया हमारा आंसर, -7 + 1 (+6)=-1 होता है। तो इस तरह से जो है हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट माइनस एट माइनस ब्रैकेट माइनस थ्री ब्रैकेट क्लोज। फिर से हमने एक बस नेगेटिव नंबर ले लिया, तो इससे पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो माइनस एट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस थ्री। हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि माइनस एट को मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, प्लस थ्री है तो हमें जो है जंप तो करना है तीन बार, लेकिन हम जंप किस साइड करेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो माइनस एट से माइनस सेवन फर्स्ट जंप, माइनस सेवन से माइनस सिक्स सेकेंड जंप, माइनस सिक्स से माइनस फाइव थर्ड जंप, तो हम कहाँ पहुंचे, माइनस फाइव पे। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो माइनस एट प्लस थ्री कितना आया हमारे पास, माइनस फाइव। अब चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले पॉजिटिव नंबर को मार्क कर ले, थ्री को मार्क करके माइनस एट कर देते, तो आप क्या करते, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जंप करते एट बार, तो ऐसे भी कर सकते थे। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस थ्री माइनस थ्री, ठीक है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये दोनों ही माइनस माइनस थ्री है, तो मैंने क्या किया माइनस थ्री को मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है कि माइनस थ्री में से थ्री को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब हमें जंप करना है तीन बार, लेकिन किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो माइनस थ्री से माइनस फोर पे गए फर्स्ट जंप, माइनस फोर से माइनस फाइव पे गए सेकेंड जंप, माइनस फाइव से माइनस सिक्स पे गए थर्ड जंप, तो हम कहाँ पहुंच गए, माइनस सिक्स पे। तो माइनस थ्री और माइनस थ्री कितना होता है, माइनस सिक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैंने नंबर लाइन क्या होता है उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और नंबर लाइन पे हम एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर भी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।